उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में बिजली की आवाजाही से आमजन बेहद परेशान है। मेडिकल संचालक धीरेन्द्र शर्मा का कहना है कि दुकान में कई ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें फ्रिज में रखी जाती हैं, लेकिन लाइट गुल होने से फ्रिज का संचालन नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक राहुल प्रेमचंदानी बताते हैं कि दुकान में लाइट न रहने से उनके विद्युत संचालित उपकरण नहीं बिक पाते, जिससे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। वेल्डिंग दुकान संचालक बबलू विश्वकर्मा कहना है कि लाइट की कटौती होने से वह वेल्डिंग का वर्क नहीं कर पाते। इस संबंध में समाज सेवी संजीव खंडेलवाल का आरोप है कि इस विकराल समस्या से सभी जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि अवगत हैं, किंतु कोई पहल नहीं करता। मामले में यहां पदस्थ कनिष्ठ अभियंता संदीप सोनी का कहना है, जिस तरह क्षेत्र बड़ा है उस हिसाब से हमारे पास कर्मचारी नहीं है, फिर भी हम काम करते हैं। और कहा कि विभागीय कमी को दूर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करवाते हैं। अपन लोग जो है परेशान रहते हैं, लाइट जो है दुकान बंद करके चले जाना पड़ता है भाई। बिजली बिल तो पूरा दे रहे हैं, किराया भाड़ा भी निकालना उसी से, दुकान भी का दिक्कत ही है। काम भी पूरा नहीं हो पा, काम कहाँ पूरा हो पा रहा है इस समय। अरे कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। विद्युत कटौती अघोषित जो इस समय हो रही है, जनजीवन उससे काफ़ी अस्त व्यस्त है और काफ़ी समय के लिए होती है, अनिश्चित रहती है। कभी भी रात में कभी भी लाइटें चली आती हैं या दिन में चली आती हैं, कोई भी शेड्यूल नहीं है टाइम का मेंटेनेंस का इनका, कि कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। और लोग काफ़ी परेशान हैं इससे, लोग बोल नहीं पा रहे हैं कि वो किससे बोलें क्या करें, शासन प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और काफ़ी दिक्कतें हैं हमारे मेडिकल में भी, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो निश्चित उसको फ्रीज़र में रखना पड़ता है, उन वैक्सीनों को रखना पड़ता है, उससे भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हर समय तो हम जनरेटर का यूज़ नहीं कर सकते और उतना वो बैकअप नहीं दे पाएगा। और दिन रात की काफ़ी समस्याएं हैं इस तरह की गर्मी में, बच्चों के एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी ये समस्या उत्पन्न हो रही है और उससे लोग भीषण इस गर्मी से परेशान हैं। नेताओं का क्या रुख है? अभी तो पूरा उदासीन रुख है, कोई भी अभी तक आगे नहीं आया, इस विषय में कोई बात भी नहीं कर रहा है और अभी तक उनके कोई भी रुझान नहीं है बिजली के प्रति। और वो इस चीज़ को झेल भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे बर्दाश्त करने की उनके अंदर क्षमता है। विपक्ष का क्या भूमिका? कोई भूमिका नहीं है अभी, किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। लोग केवल परेशान हो रहे हैं, विपक्ष भी उदासीन है, वो भी झेल रहा है, लेकिन ओवरऑल यही है कि लोग ही इसे झेल रहे हैं, जनता ही इसे झेल रही है, जो पक्ष और विपक्ष दोनों को बनाती है। यहाँ पे पाली में आए दिन लाइट गोल होती रहती है। पहले तो अघोषित कटौती होती ही थी, लेकिन आजकल कुछ 6 घंटे 8 घंटे कंटिन्यू लाइट गोल रहती है और किसी का भरोसा नहीं है कि कितने टाइम लाइट जा रही है आ रही है। और उसके अलावा गर्मी के सीज़न में वैसे ही ज़रूरत ज़्यादा रहती है लाइट की, लेकिन यहाँ पे लाइट आने का कोई चांस ही नहीं रहता है। यहाँ में दुकान में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं, बिना लाइट के वो चीज़ें बिक नहीं पाती हैं। अभी गर्मी में हम लोग बैठते हैं, बिना पंखे के गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है। उसके अलावा चश्मा बनाना होता है, कुछ भी करना होता है तो बिना लाइट के वो भी काम नहीं होते, आँख चेक करना है तो वो भी कुछ नहीं हो पाता है। काफ़ी सारी समस्याएं हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने अधिकारी गण हैं उनके द्वारा कुछ आवश्यक कार्य किया जाए। लाइट कटौती के कारण तो हम लोग लग रहा है कि दुकान बंद करके घर में बैठे हैं, काम ही कुछ नहीं हो पा रहा। बाहर बाहर से आते हैं फोटोकॉपी कराने, लाइट बंद नहीं है, कुछ जवाब ही नहीं देते बनता। जनप्रतिनिधि तो ऐसा ही लगता है कि है ही नहीं यहाँ पर, हमारे पाली में शून्य है। और समझ में नहीं, हमारे पाली में जनपद नाम की कोई चीज़ है, अधिकारी बड़े बड़े, इस पर ध्यान ही नहीं जाता किसी का। अधिकारियों क्या कहते हैं, जैसे लाइट आपकी चली गई, आपने से बात करते वहाँ से कोई कुछ साफ उत्तर नहीं मिलता, बस फ़ोन ही हमेशा उनका बंद रहता है। यदि कंप्लेन करना हो इससे कैसी भी या उन पे बिजली ऑफिस में, तो उनका फ़ोन ही नहीं उठाता, हमेशा इंगेज रहता है। लाइट की भयावह कटौती की जा रही है, एक तरफ गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और बिजली के बिल में तो बराबर कोई कटौती नहीं हो रही, बिजली के बिल जनता का बराबर आ रहा है, लेकिन आए दिन 6 घंटे 8 घंटे लाइट कट रही है। और चूंकि समाज सेवी होने के कारण मैं कई गांवों का भ्रमण करता रहता हूं, अभी मैं लखनपुरा गया था, पिछले 20 दिन से लखनपुरा गांव में लाइट नहीं है, जबकि वहां से 80 से 90% लोग अपना बिजली बिल जमा कर रहे हैं। कई बार मेरी इससे टेलीफोनिक अधिकारी जी हिसाब से बात हो चुकी है, लेकिन पता नहीं आखिर क्या वो बोलते हैं बिजली बिल जमा नहीं होता है। कल ही की बात है, कल वहाँ के सरपंच कपूर बेगा आए हुए थे, उन्होंने बताया मेरे को कि हम लोगों ने उनको लिस्ट भी दे दी है, लेकिन बिजली का जो वहाँ ट्रांसफार्मर लगना चाहिए जो कि 9 तारीख को जल गया था, अभी तक नहीं लग पाया है। इस कटौती के कारण जो डेली के काम होते हैं, जैसे जो गांव में खाद्यान्न बटता है, जब लाइट ही नहीं रहेगी, मशीनें काम नहीं करेंगी, तो खाद्यान्न भी वहाँ पर नहीं बट पा रहा है। मार्केट में लोगों को फोटोकॉपी कराना है, लोग तहसील आते हैं, थाना आते हैं, बच्चे अपने फोटोकॉपी कराने के काम के लिए आते हैं, वो भी नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं लाइट ना होने से, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसान हो मजदूर हो बड़ा हो, हर एक आदमी का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शासन एक तरफ तो लगातार
बिजली के दर पे रोज जो है बढ़ोतरी करता जा रहा है, लेकिन बिजली की जो उपलब्धता होनी चाहिए, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में पावर प्लांट पर्याप्त है, बिजली खरीदी भी जा रही है, कोयले कमी की बात हो रही है, करोड़ों रुपए के कोयले प्राइवेट कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं, उसके बाद भी आए दिन लाइट की कटौती हो रही है, जो कि बहुत ही गलत है। मैं यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार अधिकारियों को बैठाकर उनको समझ दें, सीख दें, आसपास के कटौती नहीं की जा रही है। एक्चुअल में क्या है, जैसे आंधी तूफान चला है तो उसमें ब्रेकडाउंस आ रहे हैं पोल। अभी पाली टाउन में 11 केवी का पोल भी टूटा था, तो और कुछ जगह तारें भी टूटी थी, कुछ जगह तार ही चिपक गई थी 11 केवी की। तो उसको अपन अटेंड कराए थे टाइम से ही, लेकिन अब कम स्टाफ का अभाव के कारण समय तो लगा है, उसको हम बिल्कुल स्वीकारेंगे। और इससे कुछ संसाधन की भी कमी हो जाती है, वो भी है नहीं, तो जितना हो पाया उतना टाइम से हमने किया है करेक्शन। स्टाफ अभाव को लेकर, संसाधन अभाव को लेकर क्या कुछ पत्राचार वरिष्ठ अधिकारी के आपके द्वारा किया गया? हाँ बिल्कुल, इसमें 2-3 बार उच्च अधिकारी को लेकर किया गया है कि नियमानुसार अब हमें कर्मचारी उपलब्ध कराएं। अभी तक उनके तरफ से क्या आता है? उनकी तरफ से वही आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू जो लड़के दिलवाए गए हैं उन्हीं के वही दिलवाए गए हैं, इसके अलावा कुछ रेगुलर इम्प्लॉइज तो नहीं अभी दिलवाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में आलम ये है कि 15 से 20 दिन तक वहाँ कट पाली तक लाइट नहीं है, जैसे आप अपनी पाली लाती। हाँ बिल्कुल स्वीकारेंगे इस बात को, हो जाता है क्योंकि स्टाफ का अभाव है, लंबी लाइनें हैं, ब्रेकडाउन आता है। पहले हम पास में ही करेक्शन कर पाते हैं, फॉल्ट दूर कर पाते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसी में समय लग जाता है। बरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।